नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित पारिक और दोस्तों फिजिक्स की सभा में क्लास 11 की फिजिक्स की लाइव क्लास में जो है आप सभी प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे लोगों का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। तो यारो कमेंट करके नीचे जरूर से लिखिएगा कैसे हैं आप लोग, और इसी के साथ साथ भैया ये भी बताइएगा कि अब तक जो चैप्टर पढ़ा दिए गए, अरे दोस्तों उनका रिवीजन किया कि नहीं, बराबर से पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि दोस्त फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे मैथ्स वाली लैंग्वेज भी है, केमिस्ट्री वाले फंडे भी हैं, और इन दोनों को मिलाकर के जो बनता है सरदर्द वाले न्यूमेरिकल्स भी हैं। सर अगर बात का मतलब क्या है कि भैया फिजिक्स में जो है केमिस्ट्री में जितनी मेहनत करते हो या मैथ में जितनी करते हो, दोनों को मिलाकर के जो मेहनत है, जो हार्डवर्क है, उससे ज्यादा यहाँ कुछ करने की जरूरत होती है। तो दोस्तों इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए अब हम लोगों को इस चैप्टर में जो है आगे बढ़ने की जरूरत है। और दोस्तों चैप्टर बड़ा खूबसूरत सा अपने पास चल रहा, फ्लूइड मैकेनिक्स। चैप्टर लेंथी है, चैप्टर बहुत लेंथी है, और इस चैप्टर का आज एक जो है एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, और इसी के साथ साथ अलग अलग टाइप्स के एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और हाँ यारो एक और चीज सुन लो कि जो आज की क्लास फाउंडेशन होगी किस चीज के लिए, कि इससे अगली बार जब मैं आपको बर्नौली जब पढ़ाऊंगा उन सब चीजों का फाउंडेशन आज की क्लास में ही होगा। तो अगर आज किसी बच्चे ने क्लास में ध्यान नहीं दिया तो मान के चलिए ना कि बर्नौली भैया तो हाथ से निकल गए, बाय बर्नौली भैया। तो आओ राज्य और शुरू करते हैं आज की सभा, देखते हैं क्या प्रोग्राम है। तो आओ, आओ बेटा आओ जल्दी से। तो देखो बेटा जी, ओ प्यारे प्यारे बेटे जी, सबसे पहले क्या पढ़ाएंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। सर एक बार लिखा दीजिए, बाद में हम भूल जाएंगे। नहीं भूलोगे बबुआ, नहीं भूलोगे। तो क्या है जी टॉपिक अपना, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। हिंदी में तो बताते नहीं हो, बिल्कुल बताएंगे, सांतत्यता का समीकरण। अच्छा, ये क्या बीमारी होती है दोस्तों, बिल्कुल मैं आपको बताता हूं। कभी आप लोगों ने किसी नल को खोला होगा, वहां पे पाइप लगाया होगा, और उसका दूसरा सिरा आपके एक हाथ में होगा, और आप पौधों को ऐसे ऐसे पानी दे रहे होंगे। सही है। अब आपने नोटिस किया हुआ है कि जिस सिरे से पानी निकल रहा है उस सिरे को अगर आप अपने अंगूठे से थोड़ा कवर कर लेते हैं तो पानी तेज स्पीड से निकलता है। बोलिए ऐसा होता है कि नहीं, कमेंट करके मुझे जरूर से बता दो, ऐसा होता है या नहीं। जरूर से होता है। हाँ सर, ऐसा सर हमने कई बार किया हुआ है। और तो और जो गाड़ियों की सर्विसिंग करते हैं जो है मेनली टू व्हीलर्स की, वहां पर भी जो पानी निकलता है सर्विसिंग के लिए एक छोटे से छेद से निकलता है, जिस मतलब जो भी सर्विस सेंटर रहता है, जिस भी पाइप का यूज करते हैं, पाइप के आगे एक छोटा सा नली का एक छोटा सा छेद रहता है जहां से पानी निकलता है, और पानी बड़ी स्पीड से निकलता है, बहुत तेज स्पीड से। कारण क्या है सर? कॉन्सेप्ट तो यही है कि अगर एरिया कम कर देंगे स्पीड बढ़ जाएगी, एरिया बढ़ा देंगे स्पीड कम हो जाएगी, होता है ना। बस इसी चीज का हमारे पास साइंटिफिकली जो कॉन्सेप्ट है उसी का नाम क्या है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो आओ राजा और देखते हैं यहां समझते हैं कि क्या है, मामला क्या है भाई। तो बड़ीज देखो अब समझाते हैं यहां मामला क्या है। मामला दरअसल ये है कि मान लीजिए कि अपने पास जो है ना कोई ट्यूब है, जैसे हमने ये एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की क्या बना दी, ट्यूब बना दी। सही है, ट्यूब बन गई, ठीक है सर, बढ़िया बात है। यहां पर जो इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो A1 है, दूसरे तरफ में A2 है, और एक और चीज सुन लो, क्लियर कट दिख रहा, A1 इज ग्रेटर देन A2। ओके सर, समझ गए है ना। अब बेटा जी जैसे सर मान लीजिए कि यहाँ पे पॉइंट है A, यहाँ पॉइंट है B, और सर एक और चीज सुन लो, क्या सुन लो भैया, यहां ये सुन लीजिए कि A से जिस स्पीड से लिक्विड फ्लो कर रहा वो स्पीड है V1, और B से जिस स्पीड से निकल रहा दोस्तों वो स्पीड क्या है, V2। और सर लिक्विड तो एक ही है, और जो लिक्विड अंदर भरा है उसकी डेंसिटी कितनी है, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड या फ्लूड जो भी आप बोल रहे हैं। ठीक है ब्रो, अब मेरी बात सुन, देखो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अच्छे से आपको समझने की बहुत बहुत आवश्यकता है। सही है ब्रो। और राजा तो मान लीजिए, क्या मान लें सर, कि डेल्टा टी टाइम में, कि इन डेल्टा टी टाइम
सर डेल्टा टी टाइम में यहां से जो लिक्विड थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, हाँ, और सर यहां से भी थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, हाँ, भाई डेल्टा टी टाइम में जितने लिक्विड का मास, डेल्टा टी समय में जितने द्रव का द्रव्यमान ए से थोड़ा आगे खिसकेगा, उतना ही द्रव्यमान बी से आगे खिसकेगा। तो सर इसी को लिखना पड़ेगा कि इन डेल्टा टी टाइम की मास ऑफ लिक्विड, मास डिस्प्लेस्ड ऑफ, एक सेकेंड, ये क्या लिख रहे हो सर, मास डिस्प्लेस्ड ऑफ लिक्विड कहां, फ्रॉम ए, भाई ए से इधर आएगा भाई डेल्टा टी टाइम में, उतना ही द्रव्यमान यहां से आगे आएगा। क्यों? क्योंकि जिस लिक्विड के बारे में मैं पढ़ा रहा हूं वो है इनकंप्रेसिबल, यानी असंपीड्य, वो सिकुड़ेगा नहीं, वो जितना यहां से शिफ्ट हुआ है उतना, जैसे मान लो कि सपोज एक सेकंड में यहां से 5 किलो पानी आगे आ गया, तो इस पॉइंट से भी तो 1 सेकंड में 5 किलो पानी आगे गया ना। ओ, ये कॉन्सेप्ट है। तो मास डिस्प्लेस फ्रॉम, मास डिस्प्लेस ऑफ लिक्विड फ्रॉम ए इक्वल टू, क्या लिखूं भैया, मास डिस्प्लेस्ड ऑफ लिक्विड कहां भैया, फ्रॉम बी। अच्छा जी, ओके जी। सर मास का क्या फॉर्मूला बताए हो? देखो बेटा, वैसे तो पिछले कई क्लासेस में कई सालों से हम लोग ये चीज डिस्कस कर रहे हैं, फिर भी एक और बार सुन लो क्या, कि डेंसिटी बराबर किसके होता है बबुआ, मास अपॉन वॉल्यूम के, पढ़े हो? और बेटा पढ़ना भी चाहिए। सर रो बराबर एम अपॉन वॉल्यूम, अरे वाह। तो बेटा जी मास बराबर किसके होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और अगर थोड़ी भी सच्चाई है हमारी बातों में तो उनको पता होना चाहिए वॉल्यूम का क्या मतलब, एरिया इंटू लेंथ, कितनी उसने लंबाई तय करी। ऐसा होता है, सही बोल रहा हूं, बिल्कुल सही बोल रहा हूं, सही है। बस अब इसी मास को कहां लिख दोगे, अरे आगे लिख दोगे रे बबुआ, समझ गए? समझ गए भैया, देखो हमारी वॉइस तो सब कुछ प्रॉपर है ना भैया, बिल्कुल प्रॉपर आ रही होगी, आ रही है भैया, सब चीज सही। तो देखो बेटे जी, अरे आगे की बातें सुनो जी, वो क्या होगा सर, मास का फॉर्मूला बताओ सर, क्या होगा, डेंसिटी और इंटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ। तो सर एरिया क्या है सर यहां का, ए वन, और सर लेंथ लंबाई, कितनी दूरी तय की। तो सर हम पढ़े थे दूरी बराबर चाल इंटू समय, पढ़े थे डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो बेटा जी यहां स्पीड कितनी है, v1, और टाइम कितना है, डेल्टा टी टाइम। तो लिख दो ना यार, लंबाई यहां से लिख दो, यानी v1 इंटू डेल्टा टी। वाह वाह वाह। इसी तरीके से बेटा दूसरे में क्या होगा सर, अब तो कर लेंगे रो a2 v2 और टाइम इंटरवल तो वही है ना। अब क्या बच रहा बेटा, अब तो पूछिए ही मत, अब तो पूछिए मत, रो से रो अंकल गए, डेल्टा टी से डेल्टा टी आंटी कैंसिल, क्या बच गया, a1 v1 बराबर a2 v2। बस इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और सर ये बताती क्या है, ये बताती है कि किसी भी ट्यूब से फ्लो होने वाला जो लिक्विड है, किसी भी ट्यूब से फ्लो होने वाले लिक्विड के वॉल्यूम की रेट, मतलब आयतन बटा समय, वो सभी समय पर क्या रहता है, नियत। या दूसरे वर्ड्स में कि किसी भी ट्यूब से गुजरने वाला, फ्लो होने वाला जो लिक्विड है उसके एरिया और उसके स्पीड दोनों के मल्टीप्लीकेशन का प्रोडक्ट क्या आता है दोस्त, कांस्टेंट। क्या आता है, कांस्टेंट। आया कि नहीं समझ में? और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, अपने आप में बहुत तेजस्वी चीज है, ठीक है। तो ब्रो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आपको आगे और मैं इसको जस्टिफाई करता हूं, तुमको बहुत अच्छा लगेगा। तो जी चलते हैं जी आगे, जे 3 जे 2 और जे 1। चलो सर आगे, आओ राजा आगे। सर हम तो यहीं थे, जाएंगे कहां पे? तो राजा देखिए बात कुछ ऐसी है, ऐसी हार रही। मैंने क्या बोला, a1 v1 बराबर a2 v2 है, या फिर a into v बराबर किसके, कांस्टेंट, सही है। इसी को क्या बोलते हैं हमारे पास, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब सर ये बताती क्या है बेटा, मैं बताता हूं। मान लो कि तुम्हारे पास में ये एक क्या हो गई, ट्यूब। बच्चे को पता लग रहा है
क्या कि यहां क्रॉस सेक्शन ज्यादा है वहां क्रॉस सेक्शन कम है। अब तुम्हारे एक्सपीरियंस से तुम बता दो, जहां पे क्रॉस सेक्शन कम कर देते हैं वहां पे स्पीड ज्यादा हो जाती है और जहां क्रॉस सेक्शन ज्यादा है वहां स्पीड कम होती है, ऐसा होता है ना। अरे अपने घर पे जैसे मान लो कि किसी को गार्डन में पानी डालना है, तो ऐसे मान लीजिए नल में से पानी आ रहा, अब आप उसके आगे के जो पाइप में से पानी आ रहा है उस पाइप के ऐसे आगे अपना अंगूठा यूं ऐसे थोड़ा सा कवर कर लो, तो उसका क्रॉस सेक्शन कम हो गया। जिस नली में से पानी निकल रहा, जिस छेद में से पानी निकल रहा उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम हो गया, तो कम हो गया तुम तो कम हो गए, एरिया कम हो गया, तो पानी ज्यादा स्पीड से निकलता है ना। हाँ ऐसा होता है, होना भी चाहिए। आज मैं आपको उसका रीजन इस एक्सप्रेशन से समझाता हूं। देखो बेटा जी क्या लिखोगे, A1V1 बराबर A2V2। तो चचा जी हमारी बात सुनो बेटे, अगर तुम V2 निकालोगे तो देखो कितना आएगा, देखो V1 अपनी जगह और A1/A2 आएगा। अब सबको पता है A1 बड़ा है A2 छोटा है, तो बेटा जी अगर A1 greater than A2 हो जाएगा तो बेटा अब इससे क्या पता लगेगा कि V2 ज्यादा होगा रे इससे V1 से। इसी को सांतत्यता का समीकरण कहते हैं। अरे आया कि नहीं समझ, बहुत जरूरी चीज भैया, इससे अच्छी चीज आपने मार्केट में देखी नहीं होगी, कसम से बता रहे हैं आपको। और रुको अभी सीखने समझने को बहुत कुछ है, अभी तो बहुत कुछ है सर। इसको हमको ना डेफिनेशन या वैसे उसमें समझाओ ना थोड़ा सा लैंग्वेज में, बेटा बिल्कुल समझा दे, तुम चिंता मत करो हम तुम्हारे साथ हैं, सही है। बस मैं तुमको एक और चीज बताना चाहता हूँ, वो क्या भाई, मैं बोल रहा हूँ AV बराबर कॉन्स्टेंट, समझ गए समझना भी चाहिए। अब बेटा सुन लो, क्या सुनू सर, नहीं सर क्या सुनू, अरे ये सुनो, देखो एरिया तो एरिया है, अच्छा स्पीड को बेटा अभी थोड़ी देर पहले बताया बेटा क्या लिखते हैं, लेंथ अपॉन टाइम, अरे यही तो लिखेंगे भैया, यही लिखेंगे ना, अरे भाई लेंथ अपॉन टाइम लिखेंगे ना, दूरी बटा समय भूल गए फिर। अच्छा तो सर एक बात बताएं, बेटा बता दो, एरिया इंटू लेंथ बेटा क्या हो गया, वॉल्यूम, ओहो वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी कि आयतन, और नीचे क्या है टाइम। अच्छा तो ये AV बराबर कॉन्स्टेंट यानी वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, तो इससे क्या समझ में आया बेटा जी, उस चीज को बहुत अच्छे से समझना रे, वो ये चीज है कि किसी भी लिक्विड हो, वो सॉरी कोई सी भी ट्यूब हो, कि किसी भी ट्यूब से, मैं लिख देता हूं आप यहां से उसको नोट कर लीजिएगा, किसी भी ट्यूब से, ट्यूब से प्रति एकांक समय में, प्रति एकांक समय में गुजरने वाले द्रव के आयतन की दर, सर आयतन की दर मतलब आयतन बटा समय, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, फाइन ओके। तो आयतन की दर नियत रहती है, इसी को क्या बोलते हैं सांतत्यता का समीकरण यानी कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, हमेशा बेटा आपको ये याद रखना चाहिए, ठीक है ब्रो। तो चलते हैं जी आगे, बढ़ते हैं आगे जिंदगी में और करते हैं कुछ धमाकेदार रापचिक से सवाल, तो आओ राजा और देखो हमारी बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है सर। एक क्वेश्चन करा लो सर, जिंदगी सफल हो जाएगी और दोस्तों सफलता हमें मिलनी भी चाहिए, हम आखिर अपना जो मूल्यवान समय है वो इन सब चीजों के पीछे हम लोग स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है ब्रो। आओ आओ हमारे साथ आओ बेटा, हमारे साथ आओ। तो देखो बेटा जी एक शानदार रापचिक सा क्वेश्चन हो जाए, हाँ सर आज तो हो ही जाए सर, आज तो बहुत दिन हो गए सर, बिल्कुल मजाक ही हो गया सर है। तो देखो बेटा जैसे तुमको एक ट्यूब दे दी, एक नली दे दी, नली दे दी, अच्छी लगी तुम्हें नली और लगनी भी चाहिए। तो अब मान लो, नहीं तो मान लो, देखो फिर बोलोगे हमको तो बोला नहीं था, तो मान लो कि तुमको कोई बोल दे कि जो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इन ट्यूब के अंदर, सही, इन ट्यूब इज 2 लीटर, हाँ 2 लीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 2 लीटर, ठीक है। देन फाइंड क्या, देखो हम बताते हैं, तुमको निकालना है V1, तुमको निकालना है V2, है? Then find V1
एंड वी टू रेस्पेक्टिवली। एक और चीज सुन लो ध्यान से, यहां का जो एरिया है वो है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर और दोस्त यहां का जो है वो है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। वाह वाह वाह। तो अब क्या निकालना है, V1 और V2, जबकि क्या दिया हुआ है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड यानी आयतन जो प्रति सेकंड जो जा रहा 2 लीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड हुआ नहीं कि 2 लीटर पानी ढुचुक या लिक्विड जो भी है ढुचुक निकल गया। आया क्वेश्चन समझ कि दोस्तों ये हमारे पास ट्यूब है, ट्यूब में से एक लिक्विड एक द्रव बह रहा है, कैसे बह रहा कि एक सेकंड में वो 2 लीटर बह जाता है। तुमको मुझे बताना है कि अगर इस साइड का एरिया ये है, इस साइड का एरिया ये है, तो इस बिंदु पर स्पीड क्या है और इस पॉइंट पर स्पीड क्या है। आया बात समझ में? अब बिना इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के कैसे कर लोगे? अरे कर ही नहीं सकते बेटा, कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो आओ मेरे साथ और सीखो अच्छी अच्छी बात, क्योंकि बातों बिना तो काम चल ही नहीं सकता है। तो देखो बेटा जी, अब मेरी बात सुन लो, बहुत अच्छे से समझ लो, तुमको बहुत आनंद आएगा, अत्यधिक आपको आनंद आएगा। ठीक है ब्रो, ओके ब्रो। तो देखो बेटा जी, यहां पर देखिए क्या क्या होगा। देखिए हम आपको समझाते हैं, यहां जैसे मान लीजिए कि जैसे V1 निकालना है ना, तो सर आप ही तो पढ़ाए थे ए वी बराबर कॉन्स्टेंट, और सर आप तो पढ़ाए थे A1 V1 बराबर A2 V2। अब सर आप इतने गंदे आदमी हैं कि ना तो आपने V1 दिया ना आपने V2, सर आप कितने गंदे आदमी हो। नहीं बेटे, ऐसे नहीं बोलते, ऐसी गंदी बात होती है। आप एक चीज यहां पे ये देखिए कि ये तो लिखा है, साथ में ये भी तो बोला है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। हाँ सर ये भी बतायो, तो वो दिया है ना, पर सर हमको ये नहीं मालूम कि 2 लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं। तो बेटे तुम फंस गए। तो अब तुम नहीं फंसो, उसके लिए बेटा सुन लो, अलग से बेटा देख लो, जिंदगी में तुम्हें याद रहना चाहिए कि 1 लीटर का क्या मतलब है। क्या मतलब बिहार में से 1 लीटर का? हाँ, 1 लीटर का मतलब होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। पर सर मुझे मीटर क्यूब में लिखाओगे? ठीक है बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं, तो डरने की क्या बात है। इसका यह मतलब हुआ कि अगर इसको मीटर क्यूब में करेंगे तो बेटा जी ये कितना आएगा, आ आ आ, यानी ये तो ये आ रहा। हाँ बेटा यार, तो 1 लीटर में 10^-3 मीटर क्यूब होते हैं, हमेशा याद रखना। ठीक है ब्रो, ओके सर। तो अब मैं कर रहा क्वेश्चन, ठीक है सर, ओके। तो सर ये क्या कह रहा, सर ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है बबुआ? तो बबुआ ये बोल रहा है कि 2 लीटर पर सेकंड, तो 2 लीटर यानी 2 × 10^-3 मीटर क्यूब पर सेकंड यानी आयतन प्रति सेकंड, यही मतलब हुआ। अच्छा सर, इसको हमने चेंज कर लिया। अब कई लोग यहाँ पे 2 ही लिखते हैं, फिर मेरे से पूछते सर मैं आपका मेथड लगा क्या है, मेरा आंसर नहीं आया। कहां से आएगा, तुमने यूनिट तो ढंग से लिखी नहीं, तो इसलिए नहीं आएगा। अच्छा हाँ बेटा, अब आ जाओ, अब कैसे आ जाए। देखो सर, एरिया सर यहां कितना है, 4 सेंटीमीटर क्यूब, तो लिख दो 4 × 10^-4। अरे सेंटीमीटर सॉरी स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करेंगे तो ये आएगा। अब सर V1, अब क्या तुम ये भी निकाल पाओगे, ये तो आ जाएगा। तो देखो बेटा जी V1 कितना आया, 2 × 10^4। अरे वाह, फिर उसके बाद देखो ये यहां जाके मतलब 5 मीटर पर सेकंड आएगा। देखो सही कर रहा हूं, देखो सुनो, ये -4 है, नीचे जाके ऊपर आएगा प्लस होगा, 10 बचेगा, 10/2 यानी 5, बिल्कुल सही। तो दोस्त यहां पर कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकंड। तो सर अगर यहां 5 मीटर पर सेकंड है तो वहां तो बेचारा एरिया आधा है, तो वहां स्पीड डबल होगा, यानी कितना होगा? नहीं, तुम कमेंट में मुझे लिख करके बताओगे। तो मेरे राज दुलारो, जान से भी ज्यादा प्यारों हैं, ये थी आज की अपनी खास फिजिक्स की क्लास। कल जब हम मिलेंगे लाइव सेशन में मिलेंगे, तो मैं तुम्हें समझाऊंगा कि बर्नौली की प्रमेय क्या है, बर्नौली थ्योरम क्या है, किस जगह काम में आती है और उसके एप्लीकेशन क्या है। कुल मिला के अब ये जो चैप्टर है मात्र 2 क्लासेस का ही बच गया है, कल और परसों में चैप्टर खत्म कर देंगे भाई। और सुन लो, इस चैप्टर के नोट चैप्टर खत्म होने के बाद में मिलेंगे, साथ साथ में मैं आपको 15 क्वेश्चंस की शानदार सी एक जो आपको प्रैक्टिस पेपर भी इस बार देने वाला हूं। दोस्तों ये थी आज की सभा, आई होप आपको बहुत आनंद आया होगा। तो अब लेता हूं विदा, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक क्या करना बेटा, पढ़ते रहना, मस्त रहना और मोबाइल थोड़ा कम चलाया करो। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू सो मच।